तो स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास होने वाली है मेगालिथिक कल्चर्स के बारे में। अब हमने जितना भी डिस्कशन किया था हमारे जो नॉर्दर्न इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट सेटलमेंट्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के बारे में, वहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस ये करी थी कि जिस तरह राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग प्री हिस्टोरिक ह्यूमन से लेते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन से होते हुए धीरे धीरे फ्रॉम द महाजनपदास टू द मगधन एम्पायर, ये सारी जब डिस्कशन हम कर रहे थे, उसी टाइम पे इन द बॉटम इन द डेकन पार्ट ऑफ इंडिया वहाँ पे भी कुछ कुछ कल्चर्स डेवलप हो रहे थे, वहाँ पे भी कुछ कुछ सिविलाइजेशंस डेवलप हो रही थी, वहाँ पे भी कुछ कुछ सेटलमेंट्स डेवलप हो रहे थे। एंड ये जो सेटलमेंट्स थे ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक थे। एंड इनकी जो यूनिकनेस है दैट कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग दैट दे यूज टू डू। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग वॉज इरेक्टिंग ह्यूज स्टोन्स, बड़े बड़े स्टोन्स को लगाना, बड़े बड़े स्टोन्स को बरियल्स पे लगाना, उनको एक मॉन्यूमेंट की तरह रखना। एंड ये कोई मतलब ये प्रॉपर बात हो रही है 3-4 टन वेइंग स्टोन्स की, राइट? एंड इन बड़े बड़े स्टोन्स की वजह से इनका नाम मेगालिथ कल्चर पड़ा। अब हम आगे जाके देखेंगे कि इस मेगालिथ कल्चर में भी कुछ मिसनॉमर्स हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, राइट, विच विल डील विद। बट एट द एंड ऑफ द डे जो हमको मेनली जाननी है वो ये है कि ये जो हमारे सदर्न इंडिया में जो कल्चर डेवलप हो रहा है दैट डेवलप्स बिकॉज ऑफ दिस पिक्यूलियर मेगालिथ कल्चर दैट वी सी। अब मेगालिथ जो वर्ड है हमारा दैट कम्स फ्रॉम इट हैज़ अ ग्रीक ऑरिजिन, जिसमें मेगा या मेगास या मेगोस और लिथिक जो लिथ है, ये जो वही लिथ है जो हम नियोलिथ, पेलियोलिथ, मीजोलिथ में बात करते हैं। सो लिथ मीन्स स्टोन एंड मेगा बाय द नेम एज इट सजेस्ट मीन्स बहुत बड़ा, लार्ज। सो लार्ज स्टोन्स, सेटलमेंट्स दैट वर यूजिंग लार्ज स्टोन्स। नाउ दिस क्लास इज अगेन दिस इज आर 18th क्लास ऑफ आर एंशियंट हिस्ट्री सीरीज, राइट? एंड दिस क्लास इज ब्रॉट यू बाय मी अर्णपति, एंड यू कैन जॉइन मी ऑन माई टेलीग्राम वेयर आई विल बी शेयरिंग डिफरेंट PDFs एंड materials रिलेटेड टू दिस एंशियंट हिस्ट्री। एंड आगे जाते जाते हम वहाँ पर medieval history, modern history, ये सब कुछ कवर करेंगे एक प्रॉपर timeline वे में, राइट? सो when वी टॉक अबाउट द मेगालिथ कल्चर, अब देर आर सर्टन एक्स्ट्राऑर्डिनरी coincidences that happen। एक तो जो मेगालिथ कल्चर है इसको किसी एक पर्टिकुलर टाइमलाइन पर डालना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमको जो मेगालिथ कल्चर के एविडेंसेस हैं, जो बड़े बड़े बरियल साइट्स हैं, ये हमको अराउंड 2000 BCE से भी मिलती हैं, अराउंड 1000 BCE से भी मिलती हैं, एंड कुछ कुछ जगहों पर ये उससे पहले भी मिली हैं, राइट? एंड द थिंग इज बार बार बहुत सारी जो हमारी पुरानी हिस्ट्री बुक्स हैं, बहुत पुरानी की बात कर रहा हूँ, जब इनिशियली इन मेगालिथ स्ट्रक्चर्स की डिस्कवरी हो रही थी, उनको बहुत सारे ये जो मेगालिथ स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत सारे बरियल साइट्स के पास मिल रहे थे। तो इनका मानना ये हो गया था कि ये जितने भी मेगालिथ स्ट्रक्चर्स हैं, ये जितने भी बड़े स्टोन स्ट्रक्चर्स हैं, उनका सिग्निफिकेंस बरियल्स के साथ है। बट बाद में जब और एक्सकवेशन करी गई, हमको पता चला कि इनका सिग्निफिकेंस सिर्फ बरियल्स के साथ नहीं है, द मेगालिथ वॉज अ कल्चरल फिनोमेना। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज आज भी हमारे इंडिया में कुछ ऐसे ऐसे ट्राइब्स हैं, कुछ ऐसे ऐसे कल्चर्स हैं जहाँ पे ये मेगालिथ जो हमारा जो मेगालिथ ट्रेडिशन है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, राइट? वील टॉक अबाउट दिस, बट वॉट इज दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोइंसिडेंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर? द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोइंसिडेंस इज ये जो हमको हमारा मेगालिथ कल्चर मिलता है अराउंड सदर्न इंडिया, दिस मेगालिथ कल्चर दैट वी फाइंड इन सदर्न इंडिया राइट हियर, दिस मेगालिथ कल्चर इज ऑल्सो अकरिंग इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया के भी कुछ कुछ पार्ट्स पे ये अकर हो रहा है, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो अकरिंग इन यूरोप, इट्स ऑल्सो अकरिंग इन यूरोप, एंड इट्स एट द सेम टाइम अफ्रीका में भी मेगालिथ कल्चर के एविडेंसेस मिले हैं, हमको मिडल ईस्ट में भी मेगालिथ कल्चर के एविडेंसेस मिले हैं, टर्की में हमको मेगालिथ कल्चर के एविडेंसेस मिले हैं। सो यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड क्या है, अराउंड द 4000 BCE मार्क, 4000 से 1000 BCE मार्क में अगर इन डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हमको मेगालिथ कल्चर्स मिल रहे हैं, पहले तो हिस्टोरियंस का मानना ये था कि हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर मेगालिथ कल्चर जो हमारा एकदम स्टार्टिंग का मेगालिथ कल्चर होगा वो आगे जाके फैल गया डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस में, बट जो डिस्टेंस और जो टाइम स्केल हमको देखता है उसके हिसाब से हमको पता चलता है कि ऐसा नहीं है, ये जो मेगालिथ कल्चर्स हैं ये अपने आप डेवलप हुई हैं आइसोलेशन में ही, सिमिलर कल्चर्स बट आइसोलेशन में। आपने स्टोनहेंज का नाम सुना होगा जो इंग्लैंड में है,
बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है वो, ह्यूज मॉन्यूमेंट, जिसके सामने आप इतने छोटे से लगोगे. दिस इज स्टोनहेंज, राइट? इन इसके सामने दिस इज हाउ टॉल यू विल बी. सो ड्यूरिंग दिस टाइम, एट द सेम टाइम, इंडिया में भी वी फाइंड मेगालिथ स्ट्रक्चर्स, आयरलैंड में भी वी फाइंड मेगालिथ स्ट्रक्चर्स, टर्की में भी वी फाइंड मेगालिथ स्ट्रक्चर्स. तो यहां पे फिर फाइनली हमारे जो हिस्टोरियंस और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने आके मिलके ये सोचा कि हो सकता है दैट ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज हम ह्यूमंस हैं, राइट? वी आर ह्यूमंस. तो एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो कॉग्निशन है, हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, वो सबकी सिमिलर है. और इसीलिए बिकॉज ऑफ आवर कॉग्निशंस, नेचुरली ऑर्गेनिकली इन सारे कम्युनिटीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मेगालिथ कल्चर्स आए होंगे. दैट वॉज द कंक्लूजन. तो उस कंक्लूजन को मद्देनजर रखते हुए हम अगर देखें तो वी फाइंड दैट द मेगालिथ कल्चर इज नीदर वन स्पेसिफिक कल्चर नॉर इज इट कन्फाइंड टू वन स्पेसिफिक लोकेशन, राइट? एट द सेम टाइम वी सी दैट दे स्प्रेड ओवर अ लार्ज टाइम स्केल, अ लार्ज जियोलॉजिकल टाइम स्केल. गुड इवनिंग, आई वेलकम यू टू द क्लास, राइट? एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, बिकॉज ये जो मेगालिथ कल्चर है ये बहुत ही मिस्टीरियस कल्चर है. बिकॉज हम देखेंगे आगे जाके कि स्पेशली जो सदर्न इंडिया में जो हमारा मेगालिथ कल्चर डेवलप हो रहा था, उसमें हमको ना तो कोई एक सिग्निफिकेंट ब्रॉन्ज एज मिलता है, ना ही कोई एक सिग्निफिकेंट चालकोलिथिक पीरियड मिलता है. एंड येट वी फाइंड जो मेगालिथ कल्चर है विच कोरस्पॉन्ड्स टू एन आयरन एज, वो हमको बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत सारे साइट्स में से विद आयरन इम्प्लीमेंट्स मिलने लगता है. सो अभी तक हिस्टोरियंस इस चीज को मैप नहीं कर पाए हैं कि ये जो हमारा सदर्न इंडिया में ये जो मेगालिथ कल्चर डेवलप हो रहा था, इनका ओरिजिनेशन कहां से आया है. मैंने जितनी भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पढ़ी हैं अभी तक, जितने भी हिस्टोरिकल रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, उसमें से वन ऑफ द प्रेवलेंट थ्योरीज इज दैट कि जब हरप्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो रहा था और लेटर हरप्पन जब जैसे जैसे गंगा दुआब की तरफ मूव कर रहे थे, उनमें से कुछ लोग हो सकता है स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स साउथ, बिकॉज उनको ऑब्वियसली डायरेक्शन तो उनको भी नहीं पता है, राइट? दे आर मूविंग टुवर्ड्स वेर एवर दे फाइंड रिसोर्सेज. तो साउथ आते आते जैसे ही उनको गोदावरी रिवर मिला होगा, जैसे ही आगे जाते हुए कृष्णा रिवर मिला होगा, तो वहां भी वो लोग सेटल होने लगे. बट इसका अभी भी कोई प्रॉपर एविडेंस या प्रूफ नहीं है. तो हमारे लिए जो मेगालिथ कल्चर है, दैट्स व्हाई इट्स सच अ मिस्टीरियस एंड इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ऑफ अ सिविलाइजेशन, राइट? नाउ वी सी अनदर थिंग विच इज दीज मेगालिथ कल्चर्स वर डेवलपिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में ये डेवलप हो रहे हैं. एंड जहां जहां डेवलप हो रहे हैं वहां पे सिर्फ ये बरियल से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ जो वहां पे टूम्स हैं उससे रिलेटेड नहीं है. क्योंकि अगर कायदन देखा जाए, पिरामिड्स क्या है? पिरामिड्स भी देयर सॉर्ट ऑफ अ मेगालिथ स्ट्रक्चर, एंड वो भी एक बरियल स्ट्रक्चर है. पिरामिड्स के अंदर पिरामिड के टूम्स के अंदर सार्कोफेगस के अंदर बहुत बड़े बड़े राजाओं को रखा जाता था, राइट? किंग्स को रखा जाता था. सिमिलर थिंग वी विल सी इन द बरियल्स इन इंडिया एज वेल. सो कोरिलेशन अक्रॉस जियोलॉजी हमारे पास मौजूद है. एंड दैट्स व्हाई इट्स सच एन इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स सच एन अमेजिंग थिंग. अनदर थिंग दैट आई वांट यू टू नो इज, जब हम बात करते हैं इस मेगालिथ स्ट्रक्चर की, वी फाइंड दैट नन ऑफ दीज स्टोन्स, यहाँ पे जितने भी पत्थर यूज हो रहे थे, बड़े छोटे जैसे भी, उनमें कोई ट्रीटमेंट नहीं था, उनमें कोई पॉलिशिंग नहीं की जा रही थी. आपने और मैंने अभी अशोकन पीरियड से हम गुजरते हुए हैं, अशोकन पीरियड में हमने देखा किस तरह स्टोन स्कल्पचर्स को पॉलिश किया जा रहा था, विच वॉज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अशोकन आर्किटेक्चर, राइट? येट वी सी दैट थिंग इज नॉट प्रेजेंट हियर इन द मेगालिथ कल्चर. नाउ गोइंग फॉरवर्ड वी सी दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर took place mainly between the Neolithic and continued through the Chalcolithic, Bronze Age and Iron Age. So, agar main isko ek timeline mein daalun, so I would say somewhere around 1000 BCE to about 100 CE is when we see the megalith culture developing. But yahan pe bhuliyega nahi, megalith culture abhi bhi exists karta hai. In a lot of, there are four prominent tribes, jisme se ek hai Gonds of the Central India and Khasis of the Meghalaya, jahan pe abhi bhi megalith culture एग्जिस्ट करता है. इनफैक्ट कुछ सालों पहले एक न्यूज भी आया था फ्रॉम अ ट्राइबल प्लेस जहां पे बड़े बड़े स्टोन्स को रखा जा रहा था विद इंस्क्रिप्शंस ऑन देम, राइट? सो अगेन दीज थिंग्स डू एग्जिस्ट. नाउ अगर हम मेगालिथ के टाइप्स की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मेगालिथ्स, वी सी दैट डिफरेंट टाइप्स एग्जिस्ट.
बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर्स में इनको डिफरेंट डिफरेंट नामों के साथ बोला गया है. कुछ इनको मोनोलिथिक टाइप्स बोलते हैं, पॉलीलिथिक टाइप्स बोलते हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टोन्स बीइंग यूज. कितने स्टोन्स यूज हो रहे हैं उसके हिसाब से नाम चेंज होता है. उसी तरह किस शेप में है उसके हिसाब से नाम चेंज होता है. किस टाइप का इरेक्शन है उस हिसाब से नाम चेंज होता है. किस टाइप का एरिया है, किस टाइप का कॉन्ग्लोमरेशन है, उस हिसाब से चेंज होता है. तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट मेनहिर्स. मेनहिर्स जो होते हैं वो वर्टिकल स्टोन्स होते हैं. दीज आर मेनहिर्स. इनको खड़ा किया जाता है, दे आर पुट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली, राइट. एंड इनको पाया गया है यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में. एंड मोस्टली ये जो मेनहिर्स हैं इनको आयरलैंड, ब्रिटनी, ब्रिटेन, इन सब जगहों में पाया गया है. बट एट द सेम टाइम्स हमको ये मिलते हैं एंशियंट तमिल लिटरेचर में. वी फाइंड दैट इनका जिक्र किया गया है एज नदुकुल इन एंशियंट तमिल लिटरेचर. एंड कहा जाता है मेनहिर को एज अ विक्ट्री स्टोन और अ हीरो मॉन्यूमेंट के हिसाब से लगाया जाता था. एक विक्ट्री को मार्क करने के लिए इतना बड़ा स्टोन वहां गाड़ा जा रहा है. अब इन सब चीजों में मैं चाहता हूं, देखिए हमने किस तरह हिस्ट्री पढ़ा है अभी तक. वी ऑलवेज ड्रॉ इन्फ्रेंसेस. हम छोटी छोटी चीजों से क्लूज निकालते हैं, हिस्ट्री उसी का काम है. तो यहां पे सबसे पहला क्लू मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि अगर इतना बड़ा स्टोन इरेक्ट किया जा रहा है या उसके मॉन्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये किसी एक सिंगल पर्सन का काम तो नहीं हो सकता, राइट. इट हैज टू बी अ कलेक्टिव जॉब. इट हैज टू बी अ जॉब दैट इज बीइंग डन विद द कम्युनिटी. तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा. When we talk about the culture and the community, हम इसी चीजों से, इन्हीं चीजों से inferences को draw करेंगे, ठीक है. Second thing we see is a stone circle. ये हमने बात की थी मिनहिर की, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं stone circle की. Hi, good evening everyone. Good evening Mazia. Good evening Hina. Now we'll continue this class, right? We'll continue our class on megalith cultures, and tomorrow when we talk about Sangam age, we'll sort of create a complete idea of the early ancient South India. Right now, talking about the interesting shapes of the megalith types, we find menhirs, jo vertical stones the. We find stone circles, jisme bahut hi articulate way mein stones ko in a circular form lagaya jata tha. Ye kisi kisi jagah pe as an ellipse bhi exist karte hain, kuch kuch jagah pe as arcs bhi exist karte hain. Then we find dolmens. Dolmens were basically stones jinke upar ek aur slab rakh diya ja raha tha, ek table top ki tarah tha basically ye. उसी तरह वी फाइंड केर्न. अ केर्न वॉज अ कॉन्ग्लोमरेशन और अ कलेक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ स्टोन्स. बहुत सारे स्टोन्स, ये जो आपको इतने सारे स्टोन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ऑल दी स्टोन्स वर पुट इन साइड पुट एंड देन इसके अंदर बरियल या फिर सेटलमेंट बनाया जा रहा था. एंड फाइनली वी फाइंड द सिस्ट. अब ये जो डॉलमेन और सिस्ट है, ये मेजर टाइप्स है इंडिया में. डॉलमेनॉइड सिस्ट भी मिलते हैं. सिस्ट क्या है? सिस्ट आर बेसिकली स्क्वायर प्लेटफॉर्म्स, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर स्पेसेस बरियल्स, जिसके अंदर बरियल होता था और उसके चारों तरफ ऐसे सर्कुलर वे में स्टोन्स लगाए जाते थे. अब इन सारी चीजों को देखते हुए आपको एक स्केल का अंदाजा लग रहा होगा कि ये सारे जो मेरे मॉन्यूमेंट्स हैं इनका स्केल क्या होता होगा, राइट. इट्स ह्यूज, बहुत बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं. द साइज इज ह्यूज, राइट. विच मीन्स दैट दो चीजें हो रही हैं. एक, अगर इतने बड़े बरियल सिस्टम्स हैं, इसका मतलब जितने भी लोग मर रहे हैं सबका इतना एलैबोरेट बरियल तो नहीं हो रहा होगा. दूसरी चीज, मैंने आपको बताया कि इतने बड़े अगर स्टोन्स हैं तो इसका मतलब कम्युनिटी मिलकर इसके ऊपर काम कर रही हो, कि कोई एक पर्सन तो नहीं कर सकता इस चीज को. तो ये दोनों चीजों को, इन दोनों छोटे छोटे क्लूज को दिमाग में रखते हुए आगे चलते हैं. और भी टाइप के हमको मेगालिथ टाइप्स, मेगालिथ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं. एक मिलता है हमको जो हमारे रॉक कट केव्स होते हैं, जिनको लैटराइट स्टोन्स जो होते हैं, बिकॉज दे आर इजी टू मोल्ड एंड कार्व आउट. उनको कार्व आउट करके यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे केव्स बनाए जा रहे थे, विच आर प्रेवलेंट इन कोचिन एंड मालाबार रीजन ऑफ केरला एंड मामल्लापुरम इन मद्रास. उसी तरह वी फाइंड कडकुलू एंड टोपाइकल, दोनों को मिला के कडकुलू टोपाइकल बोला जाता है, बिकॉज दिस इज बेसिकली अ कोनिकल स्ट्रक्चर with an umbrella sort of a stone on top. ये सारे क्या हैं? These are elaborate monuments about burials. तो अब मैं यहाँ पे आपको तीसरा clue दे रहा हूँ हमारे megalith structures का. The third clue being that the burials itself are very monumental. Burials को इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा importance क्यों दिया जा रहा है कि इतने बड़े बड़े stones erect करे जा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें करी जा रही हैं उसके around. So means that means we have a community effort. We also have alongside a community effort, we know that yahan pe
कुछ ही लोगों को इतने बड़े बड़े बरियल्स मिल रहे हैं, और तीसरी बात यह है कि बरियल्स का एक इंपॉर्टेंस है इस कल्चर के अंदर. सो थ्री क्लूज नाउ वी हैव अबाउट द कल्चर इटसेल्फ जस्ट बाय लुकिंग एट द स्टोन्स. सिर्फ पत्थरों को देख के हमारे पेलियंटोलॉजिस्ट, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, हमारे हिस्टोरियंस एक स्टोरी बना रहे हैं. बिकॉज क्यों, हमने एक और चीज बात करी थी व्हेन वी स्पोक अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री बिफोर दैट. वी हैव टू सोर्सेज यूजुअली व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, वी गेट टू सोर्सेज. वन इज अ टेक्सचुअल सोर्स एंड द अदर वन इज अ आर्कियोलॉजिकल सोर्स. यूजुअली जब हम ऋग वैदिक टाइम पे आ रहे थे तब जाके हमको पहली बार टेक्सचुअल सोर्सेज मिलने लगे थे, राइट. टेक्सचुअल सोर्सेज हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिले हैं, बट द प्रॉब्लम विद इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वो जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है, राइट. एंड बिकॉज स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुई है तो मैं उसको अब टेक्सचुअल सोर्स तो बोलूंगा नहीं. सो वी टॉक अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वहाँ पे जितनी भी एक्सकवेशन की थी. सेम थिंग हैपन्स विद द मेगालिथ पीपल. मेगालिथ पीपल को लेके जो संगम टेक्स्ट लिखे गए हैं वो थोड़े लेटर पीरियड में है. अर्लियर पीरियड के हमारे पास मेगालिथ टेक्स्ट हैं नहीं, तो अगेन हम यहीं से इन्फरेंसेस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी कम्युनिटी होगी, कुछ ही लोगों को बरियल मिलता होगा. बरियल्स जब इतने ज़्यादा इलाबरेट हो रहे हैं तो ज़रूर लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बहुत सारी आलोचना करते होंगे ये लोग, राइट. देन अगेन आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दिस PDF, सो आपको सारी चीज़ें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है. जस्ट लिसन टू हाउ द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ पीपल इज डेवलपिंग. Listen to how this whole story is developing, right? Then we see that the culture of Megalith people of the South, how did the culture develop? Abhi tak humne do teen cheeze evidences baat kar li thi, right? Now we talk about the time period. Hamara time period kya hai? This time period is about 1000 BCE to about 100 CE. Now in this 1000 BCE, hamare baaki jagahon pe kya ho raha tha? Baaki jagahon pe settlements the. बाकी जगहों पे महाजनपदाज आ रहे थे, बाकी जगहों पे सेटल्ड एग्रीकल्चर हो रहा था और हमारे अर्बन सेंटर्स डेवलप हो रहे थे. सेटल्ड एग्रीकल्चर वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट. हमारे किसी भी अर्बन सिविलाइजेशन को, किसी भी अर्बन सेटलमेंट को डेवलप होने के लिए उनको सेटलमेंट की ज़रूरत थी, उनको सेटल एग्रीकल्चर की ज़रूरत थी. जब हम मेगालिथ कल्चर जो हमारा साउथ इंडिया में है उसकी बात करते हैं, हम पाते हैं कि ये लोग आयरन, इनको आयरन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता थी, राइट. बट एट द सेम टाइम ये लोग जो मेनली इनका जो ऑक्यूपेशन था इनिशियली वो हंटिंग गैदरिंग का था. बिकॉज जो हमको इनिशियल आयरन इंप्लीमेंट्स मिले हैं वो एरोज हैं, जैवलिन्स हैं, स्पीयर्स हैं, ये सारी चीज़ें मिली हैं. तो हम बेसिकली पीस करने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है ये लोग जो हैं दे मस्ट हैव लिव्ड इन डिफरेंट डिफरेंट हिल टॉप्स. हमको पता है जो हमारा सदर्न इंडिया है विद द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स वी हैव अ लॉट ऑफ माउंटेंस. अभी भी वी हैव बहुत सारे डेंस जंगल है वहाँ पे, है कि नहीं. डेंस जंगल है, माउंटेन्स हैं, हमारे पास रिवर्स भी हैं वहाँ पे, बट हमारे पास ह्यूज ट्रैक्ट्स नहीं है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं. तो इनिशियली अब देखो ज्योग्राफी कैसे हम रिलेट कर रहे हैं, बिकॉज ज्योग्राफी उस टाइम की ऐसी थी तो ज़रूर ये लोग प्रिडोमिनेटली हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, राइट. बट देन स्लोली स्लोली एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ होगा एंड एग्रीकल्चर स्टार्ट होने के बाद ये लोग सेटलमेंट की तरफ गए होंगे. Now let's see what the slide tells us. It tells us that the megalithic culture is not limited to burial rituals, neither limited to the use of large stones as many sites like Amrita Mangalam, a famous urn burial site, is devoid of megaliths. Jo humne pehle baat kari thi ki jo megalith, jo hum typology ki baat kar rahe hain yahan pe, the typology of megaliths that we are talking about, they are not necessarily dependent on burials. Sirf burials ke around nahi hai, right? सिमिलरली वी सी अ लार्ज प्रेजेंस ऑफ आयरन टूल्स जिसकी अभी हमने बात करी. आयरन टूल्स बहुत सारे मिले हैं हमको, स्पेशली बरियल्स के अंदर से हमको आयरन टूल्स मिले हैं, जिसका मतलब इस पीरियड को मैं मेगालिथ कल्चर ना बोल के एक प्रॉपर आयरन एज बोल सकता हूँ ऑफ साउथ इंडिया. नाउ वन ऑफ द रिसर्च पेपर्स दैट आई वाज रीडिंग वाज बाय जोआना सुडीका एंड शी सेड दैट द मेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेगालिथ मॉन्यूमेंट्स वर अराउंड केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र. इन पाँच स्टेट्स के अंदर हमको मेन कॉन्सेंट्रेशन मिलता है. इनफैक्ट जो हमको सबसे पहला प्रॉपर मेगालिथ सेटलमेंट मिला था वो हमको हलूर में मिला था यहाँ पे, राइट. दिस इज वेर वी फाउंड द वेरी फर्स्ट वन, जहाँ से हमने डेटिंग शुरू की थी इसकी. देन वी फाइंड दैट मेगालिथ्स आर ऑल्सो फाउंड इन गोदावरी एंड दे एक्सटेंड अप टू द लद्दाख एज वेल एज अगर हम इधर देखें हमारे ईस्टर्न साइड में वी फाइंड बलूचिस्तान से लेकर हमारे मणिपुर तक द एक्सटेंशन हैपन्स, राइट. द एक्सटेंशन हैपन्स. तो जो डिफरेंस आता है बिटवीन द सदर्न मेगालिथ कल्चर एंड द नॉर्दर्न मेगालिथ कल्चर वो बेसिकली ये है कि सदर्न मेगालिथ कल्चर जो है वो मोस्टली बरियर रिलेटेड है. जो मॉन्यूमेंट्स यूज किए जा रहे हैं वो मोस्टली बरियर रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स हैं, जबकि
नॉर्दर्न एरियाज में एंड डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जो भी मॉन्यूमेंट्स मेगालिथ मॉन्यूमेंट्स यूज करे जा रहे हैं वो थोड़े कॉमेमोरेटिव हैं। अब एक यूजुअली मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूं, अगर मान लीजिए मैं एक विलेज का चीफ हूं, राइट, आई एम अ चीफ ऑफ अ विलेज एंड मैं किसी एक विलेज को जाके कॉन्कर करता हूं अपनी सेना के साथ, इस जीत की खुशी में जिस मेगालिथ स्ट्रक्चर को मैं गाड़ूंगा उसको मैं कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर कहूंगा, राइट, इट्स अ विक्ट्री सिंबल। इनको बहुत सारे टेक्स्ट में हीरो मॉन्यूमेंट्स भी कहा जाता है। अब जब मेरी डेथ हो जाएगी और मुझे बेरी किया जाएगा और उसके अराउंड मेगालिथ स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे, इनको बरियल्स कहा जाता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस, राइट। सो सदर्न इंडिया में वी हैव मोर बरियल रिलेटेड मेगालिथ कल्चर्स, नॉर्दर्न इंडिया के साइड में छोटी छोटी कुछ कुछ साइट्स में, बिकॉज अगेन कॉन्सेंट्रेशन यूजली हमारा मेगालिथ कल्चर का साउथ इंडिया में ही है, बट इन नॉर्दर्न इंडिया में जो भी मिलते हैं वो यूजली आर द विक्ट्री स्टाइल, राइट, दैट्स क्लियर। नाउ फ्रॉम ऑल ऑफ दिस वी फाइंड दैट द आयरन एज और द मेगालिथ कल्चर कैन बी प्लेस बिटवीन 1000 BCE टू 100 BCE बेस्ड ऑन द हलूर सेटलमेंट जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट द लाइफ इन द मेगालिथ कल्चर। अगर आप और मैं इस जिस हिसाब से हिस्ट्री पढ़ते हुए आए हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, हमारी 18वीं क्लास है ये, तो हमको पता है कि हिस्ट्री के मैक्सिमम एविडेंसेस हमको जो हमारी एक्सकवेशन होती हैं, जो फाइंडिंग्स होती हैं उससे मिलती हैं, राइट। तो हमने मेगालिथ में बात करी कि हमारी हमारा जो भी कल्चर है, जो भी हमारी चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं अराउंड द आइडिया ऑफ अ पर्टिकुलर वेरी पर्टिकुलर पावरफुल पर्सन, बिकॉज हमको पता है बरियल सबके लिए नहीं हो रहे हैं, राइट। बट अब एक स्टेप बैक लेते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि यहाँ का कल्चर कैसा होगा। हमने बात करी थी कैसे ये लोग हंटर गैदरर्स होंगे, राइट। अब जब ये लोग हंटिंग गैदरिंग कर रहे होंगे, हमने याद कीजिए नियोलिथिक टाइम पे, व्हेन वी स्पोक अबाउट नियोलिथिक टाइम, हमने बात किया था कि मान लीजिए यहाँ पे एक जंगल है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, यहाँ पे मेरा सारा खाना है, मैं रहता यहाँ पे एक केव के अंदर हूँ विथ माई स्मॉल कम्युनिटी, राइट। नाउ मैं बार बार इस जंगल में जाता हूँ और वापस आता हूँ, मैं वहां से अपना खाना कलेक्ट करता हूँ एंड देन आई कम बैक, राइट। नाउ जिस तरह मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ, मेरे हाथ से दो तीन बीज इधर गिर जाते हैं, दो तीन बीज इधर रास्तों में गिर जाते हैं, कुछ सालों में ये बीज पेड़ बन जाते हैं, दे बिकम ट्रीज, राइट, दे बिकम द सेम प्लांट्स, वो वही प्लांट्स बन जाते हैं जहां पे जहां की गैदरिंग मैं इस फॉरेस्ट में जाके कर रहा था, उन्हीं बीजों की वजह से मेरी जो पगडंडी है जहां पे मैं आना जाना कर रहा था वहां पे मेरी ये पेड़ उगने लगते हैं, तो मुझे पता चल जाता है एग्रीकल्चर तो हो रहा है, एग्रीकल्चर को मैं कंट्रोल कर सकता हूं बीज लगा के। तो उसी टाइम पे क्या हो रहा होगा, ये जो मेगालिथ कल्चर जहां से स्टार्ट हुआ होगा वहां पे इनिशियली लोगों ने पाया होगा कि हाँ हम ग्रो कर सकते हैं, तो धीरे धीरे नंबर ऑफ हंटर गैदरर्स कम हो रहे होंगे, धीरे धीरे द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरर्स बढ़ रहे होंगे, द नंबर ऑफ पीपल हु आर कॉन्सेंट्रेटिंग इन एग्रीकल्चर वो बढ़ रहे होंगे। अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर की मात्रा बढ़ती रहेगी क्या होगा, जितने लोग डिपेंडेंट होते जा रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर वो बढ़ेंगे, तो एक लैंड से जितना एग्रीकल्चर होके आ रहा था वो हमारे लिए इनफ नहीं होगा, तो हमको एक्सपैंड करना पड़ेगा। एक्सपैंड करने के लिए क्या करेंगे, हम फॉरेस्ट क्लियरिंग करेंगे, ये अब हमने जो यहाँ पे अपना ट्रैक्ट बना दिया था एग्रीकल्चर का, इसको क्लियर करके हम आगे जाएंगे, फिर यहाँ पे जितना भी फॉरेस्ट था उसको भी क्लियर करके वहां पे भी एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे। तो ये करते 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 क्या होगा, ये करते करते एक ही चीज होगी दैट बाय द टाइम जो मेरे हंटर गैदरर्स थे उनके पास फॉरेस्ट ही नहीं बचेंगे हंटिंग करने के लिए, तो उनको भी एग्रीकल्चर में आना पड़ेगा। एंड धीरे धीरे इस तरह मेरा जो मेगालिथ कल्चर है वो हंटर गैदरर्स से दे विल टर्न इनटू आर एग्रीकल्चरिस्ट्स, राइट। कितना ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है, आप खुद सोचो हाउ ऑर्गेनिकली दिस इज चेंजिंग, राइट। नाउ हमको वहां पे एविडेंसेस ऑफ प्लॉशेयर भी मिले हैं, हल जो है उसका भी एविडेंसेस मिले हैं, और हमको पता है कि इन लोगों ने सीजनल क्रॉपिंग भी करी है बाय जो हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स और उसके रेसिड्यूज मिले हैं उससे हमको पता चल रहा है कि सीजनल क्रॉपिंग भी करी है। तो इन ऑल ऑफ दिस वी गेट टू नो दैट ये लोग एग्रीकल्चरिस्ट बनते जा रहे हैं। एंड हमने बात करी थी हमारे इससे पहले सिविलाइजेशन में, एंशियंट सिविलाइजेशन में, कि कोई भी अर्बन सेंटर या कोई भी बड़ी सिविलाइजेशन को आने के लिए एग्रीकल्चर सरप्लस की जरूरत होती है, राइट। उन्हीं पगडंडियों के ऊपर चलते रहेंगे हम, राइट, विल कीप बिल्डिंग ऑन दी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स दैट वी सॉ इन द लास्ट 17-18 क्लासेस। सो वी सॉ हाउ एग्रीकल्चर इज डेवलपिंग, हम ये भी देखते हैं कि थ्रू संगम लिटरेचर एंड थ्रू द कल्चर दैट इज प्रेवलेंट टूडे एज वेल एज रेसिड्यूज जो हमको मिले हैं एक्सकवेशन से, दैट राइस वॉज अ स्टेपल फूड,
राइस इन सदर्न इंडिया वॉज अ स्टेबल फूड. एंड देखिए यही कल्चर्स तो कंटिन्यू होते हैं कि नहीं. कल्चर कंटिन्यूज थ्रू जनरेशन आफ्टर जनरेशन एंड वी स्टिल फाइंड दैट राइस इज वन ऑफ द प्रेडोमिनेंट राइस बेस्ड फूड इज वन ऑफ द प्रेडोमिनेंट फूड इन सदर्न इंडिया. वहाँ पे बाकी चीज़ें भी मिली हैं जैसे रागी है, वीट है, मिलेट्स हैं, बारले हैं और भी चीज़ें हैं जो हमको वहाँ पे कल्टिवेशन में मिलती हैं. नाउ वी ऑल्सो फाइंड लार्ज स्केल डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, गोट, पिग्स. एंड आगे जाके हम ये पाते हैं कि जो हमको टूल्स मिले हैं, स्पेशली एरोज मिले हैं, स्पीयर्स मिले हैं, जैवलिन्स मिले हैं, और जो हमको वाइल्ड एनिमल के बोन्स मिले हैं जिनमें हमको टाइगर्स, चीताज, वाइल्ड बोर्स, सांबर, चितल, डियर्स, ये सारी चीज़ों के बोन्स भी मिले हैं, तो हमको पता है कि जो एग्रीकल्चर है और जो हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज हैं ये एक साथ एक ही टाइम पीरियड पे एग्जिस्ट कर रही हैं, राइट. वी ऑल्सो फाइंड एविडेंसेस ऑफ पिग रियरिंग एंड फाउल छोटे बर्ड्स की पोल्ट्री फार्मिंग भी की जाती थी यहाँ पे स्मॉल स्केल पे बट इन मेनी मेनी साइट्स. अब एक और चीज ये है कि मैं आपको एक और क्लू देता हूँ अबाउट आर मेगालिथिक कल्चर. The clue being that ये जब मेगालिथिक बरियल्स करते थे ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होता था, कम्युनिटी बहुत सारे लोग मिलके कर रहे थे, बट इन दिस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कोई लेबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था, ये एक रिचुअल के हिसाब से किया जाता था, राइट. तो उस टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी एनिमल फीस्ट्स की जाती थी, किसी भी बरियल के बाद बहुत बड़ी बड़ी एनिमल फीस्ट्स की जाती थी जिनके कुछ रिमेन्स, जो डेड बॉडी जिनकी बरियल की जा रही है उनके साथ रख दिया जाता था कि उनको आफ्टर लाइफ में भी काम आएगा, है कि नहीं. सो वी सी दैट द कंजम्पशन वॉज हैपनिंग फॉर बोथ आर क्रॉप्स एज वेल एज प्रोटीन थ्रू एनिमल्स, ये दोनों चीजें हो रही हैं साथ साथ में. देन वी ऑल्सो फाइंड प्रेजेंस ऑफ फिश हुक्स एंड नेट सिंकर्स विच पॉइंट टूवर्ड्स अ थ्राइविंग फिशिंग इंडस्ट्री, कि वहां पर फिशिंग भी हो रही है. एंड नाउ धीरे धीरे नाउ वी आर कमिंग अराउंड द एज ऑफ, अब हम आ रहे हैं कहां पे, वी आर स्लोली कमिंग टूवर्ड्स 600 BCE, 500 BCE. हमको पता है ऊपर की साइड फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडिया आर महाजनपदास आर डेवलपिंग, राइट. वहां पे हमको पता है अब धीरे धीरे मगधन एम्पायर आने लगेगा, तो जो कल्चरल कॉन्टैक्ट है वो नॉर्थ और साउथ में भी बढ़ेगा, बिकॉज अगेन यहां से लोग जैसे जैसे स्टेबल, एक स्टेबल सेटलमेंट बनते जाएंगे, लोग आगे की तरफ भेजेंगे फॉर ट्रेड, उसी तरह वहां से भी लोग आगे की तरफ भेजेंगे ट्रेड फॉर ट्रेड. तो एक कल्चरल एक्सचेंज होगा बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट द इकोनॉमिक एक्टिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज. उसकी वजह से बहुत सारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा, इन लोगों को एलॉय स्मेल्टिंग और आयरन वर्किंग या ब्रॉन्ज वर्किंग के बारे में पता चलेगा, उन लोगों को इनसे पता चलेगा. एंड दैट वी दैट्स व्हेन वी सी दैट मेटलर्जी वॉज वेल नोन विद इन वॉज वेल नोन विद एविडेंसेज ऑफ कॉपर, आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड बींग वर्कड. सिल्वर थोड़ा कम क्वांटिटी में वर्क हो रहा था, सिल्वर थोड़ा रेयर था, बट कॉपर, आयरन एंड गोल्ड बहुत अच्छे वे में वर्क हो रहे थे. हमको पता है जब हम बाद में पढ़ते हैं अबाउट द दक्षिण पाठा, जो हम उत्तर दक्षिण पाठा के बारे में पढ़ते हैं मॉडर्न ट्रेड में, वहाँ पे दक्षिण पाठा ऑल्सो सिम्बलाइजेज द सदर्न किंगडम्स. एंड ड्यूरिंग अशोका टाइम हमने बात की थी कि अशोका बिकॉज वो एक सेक्युलर रिलीजन फॉलो कर रहे थे, उनका रिलेशन जो बाद में हमारे नीचे किंगडम्स आते हैं, द चोलास, द केरला पुत्र, द पांड्यास, ये इनके साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहे थे. तो ये जो मेगालिथ कल्चर है मेरा, दीज आर द प्रिकर्सर टू दीज बिग बिग सेटलमेंट्स, राइट, जहां पे ये कल्चरल एक्सचेंज इज कंटिन्यूसली हैपनिंग. अब अगर हमारी यहाँ पे मेटलर्जी हो रही है, मेटल स्मेल्टिंग हो रही है, अगर आयरन स्मेल्टिंग, कॉपर स्मेल्टिंग हो रही है, उसके लिए क्या है, फर्नेस की जरूरत है, आग को जलाना है, बहुत हाई टेम्परेचर पे जलाना है to use metal, to melt metal. And to do that, आपको fuel wood चाहिए होगा. Fuel तो चाहिए होगा कहीं से. Fuel कहाँ से आ रहा है, जो मैंने जंगल काट रहा हूँ वहाँ से आ रहा है. Because हमको जो evidences मिले हैं वो मिले हैं of charcoal, wood dung and paddy husks. Right? Then we also talk about the type of living that these people were doing. Type of pottery these people were using. So one of the things that we see which is prevalent here is द ब्लैक एंड रेड वेयर. उसी तरह हमको कॉफी कोटेड पेंटेड वेयर भी मिलता है, हमको रेड वेयर एंड ग्रे वेयर भी मिलते हैं, बट मोस्टली हमको मिलता है ब्लैक एंड रेड वेयर, बिकॉज ब्लैक एंड रेड वेयर को व्हील टर्न पॉटरी के हिसाब से बनाया जाता था, व्हील के ऊपर बनाया जा रहा था. तो हमको पता है अब यहाँ का जो कल्चर है वो भी एडवांस होता जा रहा है थ्रू कल्चरल कॉन्टैक्ट, मेटलर्जी एंड डिफरेंट डिफरेंट इनकी जो
टेक्नोलॉजी है वो खुद डेवलप हो रही है विद द कॉन्टैक्ट। दिक्कत ये है कि हमारे पास इनके कोई डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है, हमारे पास बस इनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, बट थ्रू द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस वी कैन से दैट देर इज अ कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट। इन इनफैक्ट आगे जाके देखते हैं अराउंड 3rd century BCE, अराउंड 200-300 BCE हम देखते हैं कि इनफैक्ट इवन बिफोर दैट अराउंड 4th century भी हमको मिलने लगता है कि कोस्टल एरियाज में वी स्टार्ट फाइंडिंग मटीरियल्स विच आर नॉट लोकल। एंड आगे जाके हमको ग्रेको रोमन एम्पायर से कुछ कुछ मटेरियल्स मिलने लगते हैं, आगे जाके हमको नॉर्दर्न इंडिया से कुछ कुछ मटेरियल मिलते हैं जिससे हमको पता चलता है जो हमारा प्रेवलेंस ऑफ ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा है। अब वी ऑल्सो नो दैट द सदर्न इंडिया इज फेमस फॉर ज्वेलरी, फेमस फॉर प्रेशियस स्टोन्स, एंड वी फाइंड दैट द प्रेवलेंस ऑफ ऑर्नमेंट्स एंड ज्वेलरी इज हैपनिंग विच इज बींग टॉक्ड अबाउट इन द टेक्स्ट रेफर्ड इन द नॉर्दर्न इंडिया, स्पेशली दक्षिण पाठा में बात करी गई है प्रेशियस स्टोन्स के बारे में जो हमको साउथ इंडिया से मिल रहा है। Right? Now, we also find these elements and all these ornaments and all these weapons. ये जितने भी weapons हैं हमारे, jewelries हैं, ये सब कुछ हमको burials के अंदर भी मिल रही हैं। Mostly हमारे जितना भी communication हो रहा है with these people, इनकी जो story हमको पता चल रही है वो पता चल रही है इन burials के अंदर से। इन burials के अंदर मुझे मिल रहा है different different jewelry, इन burials के अंदर मेरे को मिल रहा है different different weaponry। तो अब चीज़ों को हम थोड़ा पीस आउट कर सकते हैं, थोड़ा चीज़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इन लोगों के बारे में, राइट, इन चीज़ों को जोड़ते हुए। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी टॉक अबाउट इज दैट ये जो लोग थे, मैंने बोला कम्युनिटी, इतने बड़े बड़े बरियल्स, ये जो आपको अभी फोटोज, ये जो स्टोन कलेक्शंस आपको दिख रही हैं, ये आज की हैं। दैट इज, दिस इज हाउ दे आर, दे डू इट टूडे। सो वी सी दैट दे फॉर्म्ड कलेक्टिव सोसाइटी, वो एक कलेक्टिव सोसाइटी होगी। जो हम वहाँ पे जनपड़ाओं की बात की थी, हमने क्लैंस की बात की थी, जैसे ही हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट सेटलमेंट्स उभर के आ रहे थे, हमने एक बात की थी कि हाउ देर वॉज अ आइडेंटिटी अमंग्स द पीपल, आइडेंटिटी ऑफ ब्लड अमंग्स द पीपल। वही आइडेंटिटी वी दीज पीपल माइट हैव हैड, इनके पास एक कलेक्टिव आइडेंटिटी रही होगी इतने बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स को ये खड़ा करने के लिए। बिकॉज एक एक्सपेरिमेंट किया गया था अभी प्रेजेंट टाइम पे विदर्भ में, जहाँ पे एक बरियल साइट को दोबारा रिक्रिएट करने की बात करी गई थी, जिसके लिए 70-80 लोगों की ज़रूरत पड़ी थी टू, एंड इट टुक अबाउट 2 to 2.5 to 3 days। तो इतना मतलब इट हैड टू बी, दो चीज़ें यहाँ से मुझे पता चली, एक इट्स अ कम्युनल एफर्ट, सेकेंड इट हैज़ टू बी प्री प्लान्ड। उन 70-80 लोगों का क्या काम होगा, कैसे करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, सब अपना अपना तो नहीं सोच रहे होंगे ना, ये प्री प्लान चीज़ होगी। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि नॉट ओनली इज दिस अ कम्युनिटी एफर्ट, बट इस कम्युनिटी में हायरार्की है। यही चीज़ हमने देखी थी इंडस वाली सिविलाइजेशन में, याद कीजिएगा कि जब भी हम बात कर रहे थे एक फोर्टिफाइड सिटी की, हम बात कर रहे थे कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम लेआउट करके एक सिटी बनाई जा रही, तो इसका मतलब हमने सोचा था कि वहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी जो ये सारी चीज़ें डिसाइड कर रहा है। सिमिलरली जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक बरियल साइट की, ज़रूर यहाँ पे भी कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी जिसने ऑर्डर किया होगा कि इस टाइप से हम बरियल्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या किन लोगों के लिए बनाएंगे, क्या चीज़ें गाड़ी जाएंगी उनके साथ, राइट? तो प्री प्लानिंग एज वेल एज अ कलेक्टिव सोसाइटी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब कुछ कुछ जगहों पे हमको 2-3 चीज़ें मिली हैं, बाकी जगहों पे हमको अचानक से बहुत सारे गोल्ड ऑर्नामेंट्स और बहुत सारे वेपन्स मिले हैं, बाकी जगहों पे बहुत सारे और ज़्यादा रिमेन्स और एंड ऑर्नामेंट्स एंड पर्सनल बिलोंगिंग्स मिलती हैं, तो हमको पता चलता है एक स्ट्रैटिफिकेशन है। तो इन तीनों एविडेंस को लेके मैं कह सकता हूँ कि इनके पास ज़रूर एक हायरार्की रही होगी, जहाँ पे सबसे ऊपर एक चीफ या किंग होंगे, उनके नीचे उनके नॉर्मल लोग होंगे। अब इन चीफ और किंग्स के लिए यूजुअली बड़े बड़े बरियल्स करे जाते होंगे एंड पर्सनल बरियल्स थोड़े कम होंगे, राइट? दैट्स हाउ व्हाट वी सॉर्ट ऑफ कैन रिलेट फ्रॉम द एविडेंसेस वी हैव। नाउ द स्लाइड सेज दैट बरियल्स वर अ कम्युनल एक्टिविटी एंड वाज डन पार्ट ऑफ अ रिचुअल और सोशल नॉर्म वेयर द लेबर वाज नॉट नेसेसरली कॉन्ट्रैक्टेड और पेड। मतलब ये काम काम के हिसाब से नहीं होता था, इसको एक रिचुअल के हिसाब से किया जाता था। उसके बाद बहुत सारी फीस्ट्स होती थी, हमको वहाँ पे बहुत सारे बोन एविडेंसेस मिले हैं नियर बरियल साइट्स की, वहाँ पे ज़रूर जब काम हुआ होगा उनकी, जब कार्बन डेटिंग करी गई तो पता चला ये अराउंड सेम टाइप पे कार्बन डेटेड है। तो ज़रूर बड़ी बड़ी फीस्ट्स होती होंगी सेलिब्रेट करने के लिए, किसी की मॉर्निंग को सेलिब्रेट करने के लिए। अगर आप अभी भी आज के कल्चर में देखेंगे हमारे, आपको पता होगा कि हमारे किसी भी कल्चर में इफ़ यू पिक आउट, यू फाइंड दैट व्हेनेवर अ फैमिली मेंबर और समवन क्लोज टू यू डाइज, अगर किसी की मृत्यु होती है
तो उनकी मृत्यु के बाद जो रिचुअल्स होते हैं उनमें लोगों को खिलाया जाता है, बहुत लोगों को खिलाया जाता है. इट्स अ कम्युनल फीस्टिंग, राइट? सेम थिंग यूज टू हैपन हियर. देन वी ऑल्सो फाइंड दैट दीज मेगालिथ्स वर नॉट बिल्ट फॉर कॉमनर्स. जो हमने बात की रही अभी हायरार्की की, कॉमन लोगों के लिए नहीं, जरूर किसी रूलिंग क्लास और एलीट्स के लिए बनाया जाता होगा. एंड दैट इज टेलिंग मी अबाउट द स्ट्रैटिफिकेशन इन द सोसाइटी. कोई ना कोई, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन हो या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो या स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन पावर या पोजिशन हो, कोई ना कोई स्ट्रैटिफिकेशन जरूर होगा, जरूर रहा होगा वहां पे. एंड एविडेंसेस आर ड्रॉन फ्रॉम कल्चर्स ऑफ गोंड्स इन नावपाड़ा इन ओडिशा. अब जो यहाँ पर ये जो गोंड कल्चर है, इनका मानना ये होता है कि एक पर्सन में के लाइफ में दो भाग होते हैं. एक होता है द स्पिरिट, द सोल जिसको कहा जाता है, और दूसरा होता है शैडो. तो इनका ये मानना होता है, ये जो गोंड कल्चर है हमारा, जो अभी भी मेगालिथ्स के बारे में बात करता है और मेगालिथ्स को यूज़ करता है, उनका मानना ये होता है कि जो हमारा सोल पार्ट है वो ऊपर चला जाता है, दैट गोज टू द थर्ड वर्ल्ड. जो शैडो पार्ट है वो हमारा नीचे ही रह जाता है, अमंगस्ट यू एंड मी. उनके लिए इन बरियल्स को किया जाता है. और ये जो शैडोज होती हैं, ये नजर रखती हैं दूसरे लोगों के ऊपर, जिससे वो कोई खराब काम ना करे, कोई बुरी चीज ना करे, राइट? तो ये जो बिलीफ है, ये हो सकता है इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी सिमिलर बिलीफ उस टाइम पे. क्योंकि हमको पता है जो हमारी नजर ना लगने के लिए जो ताबीज पहना जाता है, राइट, विच इज 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इस टाइप के ताबीज हमको हमारे बरियल साइट्स में से मिले हैं. तो देखिए हाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पजल दिस इज, राइट? एट द एंड ऑफ द डे हिस्ट्री इज नथिंग बट अ पजल विच वी आर ड्रॉइंग इन्फरेंसेस फ्रॉम. जितना जितना इन्फॉर्मेशन आता जाता है, हम उस पजल को उस तरह वो पीसेस को बिठाते जाते हैं और एक नैरेटिव फॉर्म करने की कोशिश करते हैं. तो हमारा जो मेगालिथ कल्चर्स के बारे में जो मेरा नैरेटिव है वो ये है. तो अब फाइनली आ जाते हैं हमारी मेन चीज़ पे, जो है रिलीजियस बिलीफ्स. क्योंकि अगर हम बरियल्स की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कि ये लोग ग्रैंड वे में ये बरियल्स कर रहे हैं, इसका मतलब ज़रूर ऑब्वियस है कि दे हैव अ बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद भी लोग जिंदा रहते होंगे. सिर्फ वही नहीं, वो उनको ऑनर भी कर रहे हैं. दे आर ऑल्सो ऑनरिंग दीज पीपल, दे आर ऑनरिंग दीज पीपल बाई बरिंग देम देयर ओन पर्सनल स्टफ. अपनी पर्सनल चीज़ों को इनको, इन लोगों को दे रहे हैं. पर्सनल चीज़ों में क्या है, इनके ऑर्नामेंट्स हैं, इनके औजार हैं, इनके, इनफैक्ट हमको कुछ कुछ बरियल साइट्स में पेट्स, जो हमारे डॉग्स, जो हमारे छोटे छोटे जानवर हैं, उनकी भी बोन्स मिले हैं. तो हो सकता है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की भी बोन्स को बरियल्स में रखा जा रहा था. ऑल ऑफ दिस इज टेलिंग मी दैट एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इन लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है? एंड ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ तभी होगा जब ये कलेक्टिव नेचर में होगा. तो ये सारी चीजें इन सबकी बिलीफ है. एक सिमिलर चीज हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द एजटेक कम्युनिटी. जो हमारी एजटेक कम्युनिटी है, उनकी बरियल्स और हमारी जो ये मोनोलिथिक बरियल्स है, दे आर वेरी सिमिलर. वी डू एग्जैक्टली आर एंसेस्टर्स एंड वी हैव अ वेरी सिमिलर माइंडसेट. एंड अगर आप गैप सोचें, लाइक द गैप इज ऑफ अबाउट 1,000-2,000 ईयर्स, 1,000-2,000 ईयर्स, जहां पर इतनी सारी कल्चरली चेंजेस आ चुकी हैं, तब भी वी एंड देम हैव अ वेरी सिमिलर माइंडसेट व्हेन इट कम्स टू बिग थिंग्स लाइक लाइफ आफ्टर डेथ, अबाउट लाइफ, अबाउट रिस्पेक्ट. ये सारी चीजों के अराउंड जो इर्द गिर्द जो हमारी बिलीव्स हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर या सेम रह चुकी हैं. वी ऑल्सो सी अ प्रेवलेंस ऑफ एनिमिज्म. जो मैं आपको बता रहा था, हमारा जो एजटेक कल्चर है, एजटेक कल्चर ऑल्सो हैव अ सिमिलर बिलीफ ऑफ एनिमिज्म. एनिमिज्म का मतलब होता है एनिमल्स को एक ह्यूमनिफिकेशन करना एंड उस हिसाब से उनको पूजना, राइट? इट इज एविडेंट थ्रू द अकरेंस ऑफ एनिमल बोन्स इन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इनसाइड द मेगालिथ्स. We also find that the funerals were followed by non-vegetarian feasting and gaunt remains were buried in the graves in the fashion of what the later Aztecs did about afterlife. Similar thing. And then we see that the size of burials also tells us about the significant figures like the village heads and the chiefs held. मतलब basically हमने जो अभी बात करी थी कि important लोगों का ही burial कराया जा रहा था, important लोगों का ही burial हो रहा था. एंड देन वी कैन कोरिलेट दिस टू द कल्चर्स टुडे. सो मोटा माटी अगर हम मेगालिथ कल्चर की बात करें, दो तीन चीज़ें उभर के आती हैं. एक है इनका जो बेरियल प्रैक्टिसेस हैं वो आर रिलेटेड टू ह्यूज स्टोन्स. ये जो टाइम पीरियड है वो मेरा आयरन एज का टाइम पीरियड है. यहाँ पे एग्रीकल्चरल
एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, इनके पास टेंडेंसी थी एग्रीकल्चर सेटलमेंट की, बट यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स नहीं हुई थी। ये यहाँ से बाद में होगी जब हम संगम एज की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे अब धीरे धीरे यहाँ पे एम्पायर्स कैसे आए, राइट। एंड देन फाइनली वी सी दैट इनकी जो कम्युनिटी थी, दैट कम्युनिटी इट्सेल्फ वाज अ कलेक्टिव कम्युनिटी। तो जो हम कोहरेंस देख रहे थे, जो एक टेरिटोरियल आइडेंटिटी या फिर क्लैनिश आइडेंटिटी जो हमने महाजन पड़ाव के टाइम पे बात करी थी, वही सिमिलर चीज यहाँ पे भी हो रही थी, राइट। सो दैट कंक्लूड्स आवर कॉन्वर्सेशन अबाउट द मेगालिथ कल्चर्स। मेगालिथ कल्चर का जो टॉपिक है आपको बहुत सारी बुक्स में बहुत कम पोर्शंस में मिलेगा, बिकॉज वो बहुत ही हड़बड़ाहट में उस चीज़ को कवर कर देते हैं और उसको उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती, जबकि इट्स अ वेरी बिग स्टेप टुवर्ड्स आर संगम पीरियड्स, इट्स अ वेरी बिग स्टेप टुवर्ड्स आर डेक्कन कल्चर इटसेल्फ। नाउ यू कैन जॉइन मी इन माई टेलीग्राम, जहाँ पे मैं ये सारे नोट्स को शेयर कर रहा हूँ आपके साथ पीडीएफ फॉर्मेट में। आई ऑल्सो कीप ऑन डूइंग अ लॉट ऑफ पोल्स, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को, एस्पिरेंट्स को, आपको एग्जैक्टली फ्रॉम अ टीचर लाइक मी, व्हाट यू नीड, व्हाट विल मेक योर प्रिपरेशन बेटर। देखिए मेरा काम है आप सबको एक जेन्युइन वेल रिसर्च कंटेंट देना, आपका काम है मुझे बताना कि आपको किन चीजों से और ज्यादा हेल्प मिल सकती है, बिकॉज एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट नीड, राइट। नाउ यू आर वॉचिंग दिस इन आवर मैड ओवर मैप्स प्लेटफॉर्म, जहां पर मैं आपके लिए ये सारी वीडियोज ला पा रहा हूँ। नाउ माई नेम इज अर्नब एंड यू कैन यूज माई कोड अर्नब टू गेट एनी ऑफ योर डिस्काउंट्स, बी द प्लस सब्सक्रिप्शन और द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। बहुत ही जल्दी मैं अपने प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज लाने वाला हूँ, जहाँ पे इसी इन डेप्थ में हम बाकी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, राइट। आई लव टीचिंग इन अ वे वेर यू कैन फॉर्म्यूलेट अ स्टोरी। आपको अगर एक स्टोरी पता है, आपको एक आइडिया है पूरी चीज के कनेक्शन का, आप चीज़ों को भूलोगे नहीं कभी, चाहे वो मेरी पॉलिटी हो, चाहे मेरा डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो मेरे डिफरेंट डिफरेंट लॉज एंड कोडिफिकेशन ऑफ लॉज हो। फॉर एग्जाम्पल राइट, देर इज अनदर चैनल कॉल्ड UPSC 101 करके एक और चैनल है, जहां पे आई टेक क्लासेस विथ पॉलिटी थ्रू करंट अफेयर्स, जहां पे आई एक्सप्लेन यू हाउ स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन आर पॉलिटी हैव बीन चेंजिंग थ्रू आउट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिससे हमको एग्जैक्टली पता चले कि अगर कोई लेजिस्लेशन आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है। सो यू कैन जॉइन मी एंड आई विल बी टेकिंग अ क्लास देयर टुडे एक्सप्लेनिंग प्रिजनर्स राइट्स, एंड उसमें भी बहुत बेसिक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पैरोल क्या होता है, बेल क्या होता है, जिसके ऊपर 2021 में हमारे पास दो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए थे, राइट। सो अगेन यू कैन यूज माय कोड टू गेट 10% ऑफ ऑन एनी सब्सक्रिप्शंस, नॉट ऑन जस्ट माय सब्सक्रिप्शन, आप किसी भी सब्सक्रिप्शन में आप कोई भी प्लान लीजिए, चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे आपका प्लस या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, यू कैन यूज माई कोड एंड यूल इमीडिएटली गेट 10% ऑफ, यूल इमीडिएटली गेट 10% ऑफ। नाउ वी हैव अनदर बैच स्टार्टिंग इन नवंबर 3rd, जिसमें हमारा बाइलिंगुअल हिंदी एज वेल एज इंग्लिश बैच स्टार्ट हो रहे हैं, एंड इनका मेन फोकस इज टू फिनिश ऑल द GS सिलेबस विद इन 9 months। सो मेक श्योर यू ज्वाइन दिस बैचेस एज वेल। आई सून माई सेल्फ विल बी कंडक्टिंग दीज बैचेस, जहाँ पे आई विल बी टेकिंग मेन मेन कोर्सेज ऑफ योर GS प्रिपरेशन। सो डोंट वरी, ऑल द टॉप एजुकेटर्स आर राइट नाउ ब्रिंगिंग यू ऑल दीज क्लासेस। अलॉन्ग साइड वी ऑल्सो हैव CSAT, जहाँ पे आप मेरा कोड यूज करके ये अर्ली बर्ड ऑफर पा सकते हो of a huge discount, right? Now we also have our Unacademy Compete, जिसके बारे में मैं हर क्लास में बताता हूँ कि अगर आपको अपने प्रिपरेशन को एक monotony से हटाना है, so you can always use things like the Unacademy Compete, which is basically a gamification of your mock tests, जिसके through you can win a lot of rewards, right? We also have our Unacademy Civil Services Championship, which is happening on the 13th of November, and this has the same format as our combats. Combat mein jitna bhi jo hamara format rehta hai wahi format hai, 50 MCQs, 60 minutes, or you can again use my code ARNAB to enroll and get huge rewards through this scholarship. Dekhiye agar isi tarah hum history padhte rahe and isi tarah baki subjects ko samajhte rahe ek timeline way mein ek complete understanding banate rahe na, aapke liye ye sari cheeze difficult nahi hongi, and at the end of the day hamara prize kya hai, it's cracking this examination. All of that will become easy if you come, stick and do your preparation in such a holistic way. Similarly, you can also join our mains test series, jahan se pehle bhi bahut sare questions aa chuke hain. It is curated by top educators like me and other educators, jahan pe hum har ek question ko khud curate karke uske model answers bana ke aapko 9 minute ke andar ek proper answer likhna sikhayenge, right? We also have the GS combat, which is going to happen this 6th of November.
इस 6 नवंबर में हमारा जीएस कॉम्बैट होने वाला है, जिसमें यू कैन विन ह्यूज स्कॉलरशिप्स. अगेन यू कैन यूज माई कोड ARNAB टू एनरोल इन टू दिस कॉम्बैट. ऑल्सो आई हैव अ बिग सरप्राइज कमिंग फॉर यू सून. हमारे लेट्स क्रैक के चैनल पे आई विल बी ब्रिंगिंग यू अ बिग सरप्राइज वेरी सून. सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सी व्हाट दैट सरप्राइज इज गोइंग टू बी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टुमारो वील कम बैक अगेन वेर वी टॉक अबाउट द संगम.